तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। कब हमारा मुख क्यों बंद कर रहे हो? गुरुजी, अब ये तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी, ये गीत आपके मुख से कदापि नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अब सौदामिनी देवी तो बनेगी रानी, खत्म हो गई आपकी प्रेम कहानी। सब अदर्थ हो गया गुरुजी, सब अदर्थ हो गया। बस बस मूर्खो, बस बस। हम अत्यंत मानसिक पीड़ा में हैं, अपना उपदेश बंद करो। जाओ जाकर सौदामिनी देवी को कहो कि राजगुरु महागुरु तथाचार्य आए हैं। जी गुरुजी। धनी मनी, गुरुवर से कह दो आज हमारा मन कहीं और उलझा हुआ है, आज हमसे भेंट करने का कोई लाभ नहीं होगा। क्या कहा? सौदामिनी का मन कहीं और उलझा हुआ, अर्थात हमारा हृदय अनाथ हो गया। हाँ गुरुजी, आपका आशीर्वाद अनाथ हो गया, सौदामिनी देवी आपसे नहीं मिलेगी। नहीं, हम भेंट किए बिना नहीं जाएंगे, बस एक बार भेंट करके सत्य जान ले। हम जानते हैं गुरुवर भी बड़े हठी हैं। एक काम करो, सौदामिनी रुक जाइए। आज की स्थिति पूर्व के जैसी नहीं है, समझ रहे हैं ना? हम क्या कहना चाहते हैं, मिलना मिलाना तो होता ही रहता है, परंतु मिलाप आज नहीं होगा। हाँ, हृदय घात भी हम ही सहन करें और समझने का उत्तरदायित्व भी हम ही लें, और जब मेल मिलाप हो तो कोई और। ठीक, हाँ। बस आप हमें मात्र ये बता दीजिए, जो बागीचे में हुआ वो सत्य है? हाँ, ये सत्य है, परंतु आपको कैसे पता? आप तो हमारे साथ नहीं थे। सुन सुन के सब देख लिया हमने, परंतु यदि उस समय हम वहां होते तो ये अनर्थ होने देते क्या? कदापि नहीं। और आप, जब ये सब कुछ हो रहा था तो आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आई? कैसे बात कर रहे हैं, स्वयं महाराज हमारे समीप हो तो हम किसी और को स्मरण क्यों करें? क्या जरूरत है? हे भगवान, ये धरती फट जाए, हम इसमें समा जाए, ऐसा प्रतीत होता है शीघ्र शीघ्र ये कहानी समाप्त हो जाएगी। हाँ, समाप्त तो हमें भी करना पड़ेगा, अन्यथा हमारे ये मुख इस संसार को, इस समाज को हम कैसे दिखाएंगे? ठीक है सौदामिनी जी, ठीक है। बहुत बहुत बधाई आपको सौदामिनी जी, आपका नया प्रेम और अब आप बन जाएंगी रानी और समाप्त हो जाएगी हमारी प्रेम कहानी। अच्छा सौदामिनी जी, अंतिम बार अपना मुख तो दिखा दीजिए। नहीं, नया प्रेम, नई कहानी, नई रानी, क्या कह रहे थे? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तेरे द्वार से चला ये जोगी, जो था तेरा प्रेम रोगी, तूने महाराज से आंख लड़ाई, तुझे लज्जा ना आई, हमारे हृदय को चोट पहुंचाई, हमारी निकली रुलाई। ये सत्य है महाराज, ऐसी बातें तो हमने भी सुनी है, हमने स्वयं ने पता की है, परंतु संतोषजनक तथ्य यह है महाराज कि अब तक ये बात प्रजा में फैली नहीं है, परंतु शीघ्र ही। शीघ्र ही क्या महाराज? शीघ्र ही यदि इस बात पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बात हाथ से
और प्रतिष्ठा राजमहल से अपमान का चोला पहन के निकल सकती है महाराज। कौन सी बात? ये कि हम उस राज नर्तकी सौदामिनी के साथ। जी जी महाराज। असत्य है, निराधार है ये सब। महाराज हमें भी अब तक सारी बातें असत्य ही प्रतीत हो रही थी, परंतु अब क्या महामंत्री जी? जी अब भी हम इन सारी बातों को असत्य ही मानते हैं, परंतु ये समझ से परे है कि ये सारी बातें फैलाई किसने। परंतु हम सब कुछ समझ पा रहे मंत्रीवर। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण को प्रस्तुत किया जाए हमारे समक्ष। जो आज्ञा महाराज। दादाबिनी ये क्या कर डाला, हमारा हृदय तोड़ डाला। आए कोई तो देखे हमारे गुरु जी का मुख, पहले तो कितना तेजस्वी ओजस्वी तपस्वी, किंतु आज जैसे जली हुई रस्सी है। क्योंकि हमारे गुरु जी ने प्रेम किया था। प्रेम ही ऐसी वस्तु है जिसके हम हो सकते हैं, लेकिन प्रेम हमारा नहीं हो सकता है, ये स्पष्ट हो गया है, नहीं होता। गुरु जी हमारे प्रेम में भमरा बन गए और प्रेम के वशीभूत होकर भमरे ने पुष्प खिलाया एक बार, जिसे चीन के ले गया कोई राजकुमार। शीघ्री शीघ्री महाराज सुदामी देवी के हाथों में हाथ डालकर महाराज सुदामी देवी के साथ साथ फेरे लेंगे। हाँ फिर विवाह समारोह भी होगा जिसमें 56 भोग भी होंगे और हमारे गुरु जी को भी उसमें बुलाया जाएगा। किंतु हमारे गुरु जी इस दुख में इतनी व्यथा में क्या भोजन कर पाएंगे? ना, नहीं, सारा भोजन हमें ही खाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे गुरु जी तो सिर्फ गम खाएंगे, सुदामिनी के गम नहीं, हम होंगे ही नहीं। कहा? विजयनगर में, इस संसार में। क्या शीघ्र कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसी विधि बताओ कि हम बिना पीड़ा के ईश्वर के पास पहुंच जाएं। गुरुजी डाल के फंदा मिलेगी मुक्ति, ऊपर जाके करना प्रेम की भक्ति। ना ना, गला घुटने से जो पीड़ा होगी हम सहन नहीं कर पाएंगे, कोई और उपाय बताओ, पीड़ा भी ना हो और प्राण भी निकल जाए। गुरुजी कुछ तो पीड़ा सहन करनी पड़ेगी ना। गुरुजी भविष्य में कोई पीड़ा आपको ना सहनी पड़े, इसीलिए फंदा लो और गले से लगा लो। ना 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 मेरे शिष्यों, बस कोई और उपाय सुझाओ मेरे प्रिय शिष्यों, हम नहीं जीना चाहते, हम नहीं जीना चाहते। गुरुजी आपको ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ आपके और भगवान के मध्य कोई ना आ सके। कोई ऐसा स्थान है? हाँ है गुरुजी। राजमहल की छत। अच्छा, जहाँ पर आपके और भगवान के मध्य दूसरा कोई नहीं होगा। ठीक, आप वहाँ जाना और बिना कोई विलंब किए वहाँ से कूद जाना। कूद जाएंगे गुरुजी, कूदने से सीधा मृत्यु हुई तो सीधा स्वर्ग, अन्यथा आप। अन्यथा क्या? गलती से आप जीवित बच गए और केवल हड्डियां पसलियां ही टूटी तो सीधा रोगी लोग जाएंगे। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान। हमें आपसे ये अपेक्षा नहीं थी पंडित रामकृष्ण। मैं भी यही सोच रहा हूँ महाराज,
क्या? ये कि मैं आशानुरूप कार्य ही नहीं कर पा रहा। वो कहे कि मेरा मस्तिष्क दबावों से भरा हुआ है, तो मेरी ये इच्छा थी कि यदि मुझे मेरे उत्तरदायित्वों से मुक्त नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ समय का अवकाश ही प्रदान कर दिया जाए। पंडित रामकृष्ण, जहाँ से हम देख रहे हैं आपकी दशा और दिशा दोनों ही तृप्तिपूर्ण प्रतीत हो रही है। हम विजयनगर राज्य के प्रति आपके उत्तरदायित्व की नहीं अनुत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं। अनुत्तरदायित्व? कैसा अनुत्तरदायित्व महाराज? कैसा? शर्मानी चाहिए आपको, लज्जानी चाहिए आपको पंडित रामकृष्ण। आप हमारे, आपके महाराज और उस रात नर्तकी सौदामिनी के विषय में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। महाराज आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है, मैं तो स्वयं इस प्रसंग को लेकर बहुत चिंतित हूँ। ये तो किसी बुद्धिहीन परिहास जैसा है। परिहास? ये आपकी जो परिहास करने की प्रवृत्ति है ना पंडित रामकृष्ण, वो हमारे व्यक्तिगत, हमारे वैवाहिक और हमारे राज के जीवन में एक अग्नि प्रज्वलित कर रही है, अत्यंत विनाशक अग्नि। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे परिहास समय और सीमा का ज्ञान है और मैंने तो ऐसा कुछ भी। पंडित रामकृष्ण, आप अपना तर्क अपने तक ही सीमित रखिए, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। ये जो अग्नि जिसकी हम बात कर रहे हैं आपने प्रज्वलित की है, ये जो अफवाहें आपने हमारे विषय में फैलाई है उसे रोकिए आप, और यदि ये कार्य आपने नहीं किया है तो ढूंढिए उस व्यक्ति को जिसने किया है और हमारे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। हम देंगे उस व्यक्ति को दंड, कठोर दंड। रामा, हैरान क्यों हो रहा है? यही तो है तेरा भाग्य। बंधु, इस घटनाक्रम का आरंभ शारदा से हुआ है। रामा, पत्नी के कर्मों का आधा पुण्य हर पति को ही मिलता है और पत्नी की त्रुटि का कुछ भाग भी पति को ही मिलता है। बंधु, प्रश्न ये नहीं कि त्रुटि किसकी है, प्रश्न ये है कि इस अफवाह को मिटाकर सत्य कैसे उजागर किया जाए। यदि ये बात विजयनगर में और फैली तो महाराज के सम्मान का क्या होगा? हम गुरुजी के आत्महत्या करने के बाद ना इनके ऊपर एक कथा लिखेंगे और उस कथा को पूरे विश्व में सुनाएंगे। किंतु मणि, हमारे गुरुजी की आत्मा में कहाँ है कथा? है केवल दुख भरी व्यथा जिसे पूरे विश्व में घूम घूम कर बेचेंगे और बहुत सारा धन कमाएंगे। हम अपने प्राण त्यागने पर तुले हैं, तुम अपनी दुष्टता नहीं त्याग सकते। हमारे मरने पर भी लाभ उठाना चाहते हो मूर्खो? जीते जीते तो आप काम आ नहीं पाए, तो मरने के बाद आ जाइए ना गुरुजी। हे भगवान, कैसे दुष्ट मिले हैं हमें। गुरुजी आप चिंता ना कीजिए, हमें आभास हो गया है। आभास हो गया? क्या आभास हो गया? गुरुजी, आपकी प्रेम लीला एक राजा के हाथों समाप्त हुई है ना? अब आपकी जीवन लीला भी एक राजा के हाथों ही समाप्त होगी। कैसे? गुरुजी, आप एक घने जंगल में जाइए, आपकी भेंट एक शेर से होगी और वो आपको खा जाएगा। छोड़ो ये सब उपाय, व्यर्थ है सब उपाय। सौदामिनी, 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 बस अब हम आत्महत्या नहीं करेंगे, सौदामिनी की याद में अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। सौदामिनी, ए सौदामिनी। देखा मणि, बुड्ढा कितना चतुर है इसने तुम मरते मरते भी मरना स्थगित कर दिया। पंडित रामकृष्ण, आप यहाँ हमारे निवास पे? जी प्रणाम। आपकी आंखों की चिकित्सा हेतु औषधि महाराज ने भिजवाई है? हाँ, हमारे लिए भिजवाई है। एक राजनर्तकी का इतना ख्याल? अब क्या कहूँ, हमारे महाराज हैं ही इतने बड़े विशाल हृदय वाले, विजयनगर के प्रत्येक निवासियों की चिंता रहती है उन्हें। और आपको एक संदेश भी देने को कहा था। क्या संदेश है? उनका संदेश हमारी आज्ञा है। जी जी, उन्होंने आपको राजमहल बुलाया है आज रात्रि के दूसरे प्रहर में। रात्रि के दूसरे प्रहर में? आपको वहाँ आने में कोई आपत्ति तो नहीं, या किसी कारणवश यदि उपस्थित होने में असमर्थ हो तो?
नहीं, हम उपस्थित हो जाएंगे और हम महाराज के आदेश का पालन अवश्य करेंगे। और फिर हमें महाराज को धन्यवाद भी तो देना है ये औषधि भिजवाने के लिए। सो तो है। हाँ, परंतु क्या आप हमें बता सकते हैं महाराज ने हमें रात्रि के दूसरे पहर में ही क्यों बुलाया? वो कदापि ज्ञात करना चाहते होंगे कि आपकी आंख ठीक हुई भी या नहीं, है ना? अच्छा मैं चलता हूँ, दूसरे लोगों को भी आमंत्रण देना है। प्रणाम। और भी आमंत्रण देने हैं? तो पंडित रामकृष्णा जी, आप ये कह रहे हैं कि आपसे हमने जो बगीचे में कहा था वो सत्य है? अरे क्यों, आपको अपने कथन पर शंका है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित रामकृष्णा जी, हमारे मुख से कब क्या कल्याणकारी निकल जाए हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। और हम जैसे महान शिष्यों का तो एक ही सिद्धांत है, नेकी कर और दरिया में डाल। आप दोनों तो भूल जाते हैं, किंतु मुझे तो आपसे ही ज्ञात हुआ था ना कि महाराज और सौदामिनी जी ने बगीचे में नृत्य किया था और वो शीघ्र विवाह भी करने वाले हैं। क्या? क्या हमने ऐसा भी कहा था? मने प्रतीत हो रहा है कि हम अंतर्यामी हो रहे हैं। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। कहीं तुम दोनों ने मुझसे सत्य कहा था? एकदम सत्य कहा था, एकदम सत्य कहा था। यदि ऐसा है तो अब अंदर की बात बताने की बारी मेरी है। आज रात महाराज और सौदामिनी देवी रात्रि के दूसरे प्रहर में दरबार में मिलने वाले हैं। महाराज और सौदामिनी आज रात। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है पंडित रामकृष्णा जी? अब तुम दोनों क्या करोगे? हम दोनों क्या करेंगे? अच्छा, मिलन बागीचे से दरबार में पहुंच गया। नहीं, अब हमें कुछ करना होगा। गुरुजी, आप दरबार में ना जाएं, विघ्न उत्पन्न हो सकता है। विघ्न? कैसा विघ्न? गुरुदेव, महाराज सौदामिनी देवी से आज की रात्रि के दूसरे पहर में एकांत में मिलने वाले। ऐसा मिलन तालाब के ठहरे हुए शीतल जल के समान होता है। गुरुजी, आप वहां जाकर ठहरे हुए जल में कंकड़ मारोगे? ठहरे हुए जल में कंकड़ नहीं, बिना पूर्व सूचना के भूचाल आएगा। कैसे? कैसे? हम अपने मंत्रों की शक्ति से बिना पूर्व सूचना के भूचाल लाने में सक्षम हैं। अब तो भूचाल लाना पड़ेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम सब कुछ मिटा कर रख देंगे। सौदामिनी। क्या आज रात्रि महाराज और सौदामिनी दोनों दरबार में रात्रि के दूसरे पहर में मिलने वाले हैं? हाँ, उठा लो उठा लो। अरे दत्त, हमें नहीं, इस रहस्य से थोड़ा और पर्दा उठा लो। शारदा, पूरा पर्दा तो आज रात्रि उठेगा। तो तुम मेरी धर्मपत्नी हो, इसलिए ये बात केवल तुम्हें बताई है। किंतु तुम शपथ लो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। रामा, पति पत्नी का बंधन विश्वास पर आधारित होता है, अतः बिना शपथ के आपको हम पर विश्वास करना होगा। हाँ, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। परंतु दोनों महारानियों के साथ कितना बुरा हो रहा है? नहीं सोचो तो, किंतु महाराज के सामने कोई कर भी क्या सकता है? दरबार में?
महाराज, जहां तक हमें ज्ञात है, इस प्रकार तो आप रात्रि में शिकार के लिए निकलते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। महारानी चिन्ना देवी, ये वेश शिकार में जाने वाला नहीं लग रहा है। हम किसी आवश्यक कार्य से जा रहे हैं महारानी। महाराज, ये कार्य आवश्यक ही है ना? जी हाँ महारानी तिरुमलंबा, कार्य आवश्यक है। तो आप कब तक वापस आएंगे? जैसे ही कार्य संपन्न हो जाएगा आ जाएंगे। और आपका ये कार्य कब तक संपन्न हो जाएगा? अर्थात आप शयन कक्ष में सोएंगे या फिर दरबार में? विक्षिप्त तो नहीं हो गई आप? दरबार में कैसे सो सकते हैं? और आप हमारी प्रतीक्षा ना करें, हमारे प्रस्थान करते आप सब सो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी हमें वो इत्र की शीशी ढूंढने में मदद करेगा जो अरब के सुल्तान हमें भेंट दी थी। इत्र के भी कान होते हैं और दरबार की दीवारें तो बहुत बड़ी हैं, यहाँ के कान तो और भी बड़े होंगे, इसलिए शांत रहना। मुझे शांत रहने के लिए कह रहा है? मैं तो बोलती कहाँ हूँ? मैं तो बोलती कहाँ हूँ? लौटी से और शारदा के मुख से कौन बोलता है? मैं महाराज, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित रामकृष्ण ने हमें यहाँ क्यों बुलाया। बुलाया तो बुलाया, ऊपर से ये कहा कि कहीं छुप कर खड़े हो जाना। अब कौन समझाए उन्हें कि दरबार भी कोई छुपने की जगह है? हाँ मंत्री जी, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित रामकृष्ण का हमें यहाँ बुलाने का क्या प्रयोजन है। हमें भी कहा था सच सच के इत्र लगा के आना, समझ नहीं पा रहे क्यों आए हम यहाँ पर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आज तक हम अपने आवास से इस प्रकार इस समय बाहर नहीं निकले, और आप दोनों हैं कि हमें दरबार में ले आए हैं, वो भी इस प्रकार छुप कर। गुरु माता, हम पे विश्वास रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए बस। हमें ज्ञात नहीं कि क्या होने वाला है, परंतु गुरु माता अवश्य कुछ तो होने वाला है। हो सकता है गुरु जी के महानता के दर्शन ही हो जाए। आज सत्य अवश्य सामने आएगा, हम महाराज को और उस सौदामिनी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। परंतु महाराज के हाथों में तो रंग लगा नहीं है। हाँ, सौदामिनी देवी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। महारानी तिरुमलम्बा, आप रंग के प्रसंग पर अपने चेहरे का रंग मत बदलिए। हाँ, और अपने मस्तिष्क को भी ना शांत रहने दीजिए, उसे तंग मत कीजिए। आप बस चुप रहिए और देखती रहिए। हाँ, महाराज, सौदामिनी याद है हमें, परंतु सौदामिनी देवी रात दरबार में इस समय क्या कर रही है? कहीं पंडित रामकृष्ण का ये प्रयोजन हमें किसी समस्या में न डाल दे महामंत्री। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महाराज। देखा, पंडित रामकृष्ण का कथन सही निकला। हाँ मणि, हमारे गुरु जी की परम भक्त तो पधार चुकी है, अब गुरु जी भी पधार ले तो प्रलय आने की भरपूर संभावना है। सौदामिनी अकेली है। सौदामिनी, सौदामिनी, नहीं, नहीं, अब तो हमारी महारानी बनने वाली है। गुरुवर, आप यहाँ कैसे आए? कैसे आए? चल कर आए, परंतु आपके हृदय में किसकी प्रतीक्षा के दीप जल रहे हैं सौदामिनी देवी? नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य था। हमारा ये तात्पर्य है, हमारा वो तात्पर्य है,
सौदामिनी देवी, तुलना के पत्तों में रखकर हृदय की सबसे पवित्र भावना को दो भागों में मत बांटिए। शब्द ही संकेत है, ना समझो तो संकट है। आप ये क्या कह रहे हैं? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर से दोहराएं। शब्द ही संकेत है, ना समझो तो संकट है। नहीं नहीं गुरुवर, दोहराइए नहीं, समझाइए। सौदामिनी देवी, मनुष्य को वो स्वप्न नहीं देखने चाहिए जो आंखों में चुभने लगे। महामंत्री जी, गुरुवर सौदामिनी देवी से क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? नहीं मान। अर्थात? अर्थात सौदामिनी देवी, यदि कोई साधारण स्त्री रानी बनने का विचार रखने लगे तो समझ लो कि वो अपनी सीमा को लांग रही है। याद कीजिए, जब स्वरूप नखा ने लक्ष्मण को पाने का दुस्साहस किया तो क्या हुआ था? अनिष्ट हुआ था, घोर अनिष्ट हुआ था। सौदामिनी तो आ गई है, परंतु महाराज सामने क्यों नहीं आ रहे? यदि ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख नहीं आए तो सत्य पर से पर्दा कैसे उठेगा? गुरुवर ही शांत नहीं हो रहे। गुरुवर शांत होंगे तभी तो महाराज आएंगे ना। रामा, तुझे पता है ना, यहाँ सबको बुलाकर कितना बड़ा जोखिम लिया है, और गुरुवर तो अपनी वाणी से कुछ भी घुमा सकते हैं। बंधु, शब्दों से जाल तो बुना जा सकता है, किंतु सत्य को उसमें फंसाया नहीं जा सकता। गुरुवर, वो साधारण स्त्री कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं? शब्द ही संकेत है, ना समझो तो संकट। वो कौन है जो पुराने बंधनों को तोड़कर नए संबंध बनाने की इच्छुक है? कुछ दिनों से हमारे साथ सब कुछ वास्तविकता से अलग हो रहा है। हम मान रहे थे कि समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु अब जब हमें आपके साथ की आवश्यकता सर्वाधिक थी, तो आपने भी संदेह की उंगली हम पर ही उठा दी। अब आप हमारा सत्य सुनिए, शुद्ध और पूर्ण सत्य। सुनाइए। ना हमने कभी रानी बनने की कल्पना की, और ना ही हमारा किसी से कोई संबंध है। देखा महामंत्री जी, क्षमा महाराज, क्षमा। हमारा जो भी बंधन है वो मात्र आपके साथ ही है गुरुवर। आप सत्य कह रही? हाँ। हमारे हृदय पर हाथ रखकर प्रमाण दीजिए। आचार्य सौदामिनी, भले ही हम राजगुरु महागुरु तथाचार्य हैं, परंतु हम अपने ही बंधन को ना पहचानने की भूल कर गए। क्षमा, बस बस, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख पाएंगे। छिपा हुआ धन और छिपा हुआ रूप एक ना एक दिन सामने अवश्य आता है, जैसे गुरुवर का आया। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं पंडित रामकृष्ण। वैसा ही है, वैसा ही है गुरुजी। गुरुवर का मौन ही उनकी स्वीकृति है। गुरुवर, मैं आपसे ये अपेक्षा न थी। आपको लज्जा आनी चाहिए। ऐसा हम नहीं, अम्मा कह रही है। आप हमारे धर्म अधिकारी हैं। आप अपने शिष्यों को ये सिखाएंगे तो भविष्य का क्या होगा? सौदामिनी देवी, आप यहाँ क्या खेल खेल रही हैं? गुरुवर, क्या आपके पास कोई उत्तर है?
हमारे सर्वज्ञानी स्वामी के पास उत्तर तो इतने हैं कि जितने आपके पास प्रश्न भी नहीं होंगे। ये तो उनकी महानता है कि वो इस समय चुप है। और आप क्या कह रहे थे पंडित रामकृष्णा, कि हमारे स्वामी का मौन ही स्वीकृति है? ज्ञात होता है कि आपको आभास ही नहीं है कि एक मौन व्यक्ति 100 बोलने वाले व्यक्तियों को पराजित कर सकता है। वरुण माला, आप भी महानता के गुण की अपेक्षा किस व्यक्ति से कर रही हैं? इनसे, पंडित रामकृष्णा से? पंडित रामकृष्णा, आपको सत्य तभी दिखेगा जब आप भ्रम और संदेह के अंधकार से बाहर निकलेंगे, और तब आप गुरु शिष्य एवं भगवान और भक्त के पवित्र नाते को अपमानित करने से बच सकेंगे। हम तो मात्र आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ महाराज, हम मात्र आशीर्वाद दे रहे थे, सुख शांति का आशीर्वाद दे रहे थे सौदामिनी देवी को। गुरुवर, आशीर्वाद देने की विधि तो बड़ी ही विचित्र और अनोखी थी। क्यों पंडित रामकृष्णा, अब तो समझ जाइए, आशीर्वाद देने की विधि नहीं, भावना एवं मंशा सही होनी चाहिए। हमारे हृदय में गुरुवर के लिए इतना आदर और सम्मान है, हमारा तो पूरा जीवन ही समर्पित है गुरुवर के लिए, तो फिर ये आलिंगन क्या चीज है? ये पंडित रामकृष्णा हमारे निर्मल और पवित्र प्रेम को कुदृष्टि से देख रहे हैं। इन्हें जो दिख रहा है ना महाराज, वैसा नहीं है, भ्रम हो गया है इन्हें। क्या कहा आपने गुरुवर, मुझे भ्रम हो गया है? सत्य कह रहे हैं, भ्रम हो गया है आपको पंडित रामकृष्णा। हाँ, ये भ्रम है, गुरुवर ऐसा अनुचित कार्य नहीं कर सकते। हाँ, ये भ्रम है, भ्रम है ये। गुरुवर, क्षमा प्रार्थी, संभवतः हमसे भी समझने में भूल हो गई। कोई बात नहीं महाराज, यदि ये भ्रम है तो वो भी भ्रम था जो बड़ी महारानी चिन्ना देवी ने महाराज और सौदामिनी जी के मध्य देखा था। क्यों शारदा, हमारे आदर्श महाराज और सौदामिनी जी के बारे में ऐसा सोचना भी महापाप है, क्योंकि कभी कभी जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखाई नहीं देता। सत्य कथन है आपका पंडित रामकृष्ण, उस दिवस हम उद्यान में भ्रमण कर रहे थे, संयोग से सौदामिनी देवी भी वहां पर उपस्थित थी और उनकी आंखों में कुछ चुभ रहा था। हमने केवल फूंक मार के उस कचरे को साफ करने का प्रयास किया था, और महाराज इतनी छोटी सी बात पर आपके स्वच्छ चरित्र को संदेह की मैली फूंक मारकर आपके चरित्र हनन का प्रयोजन किया गया था। हम बच गए, परंतु महाराज पंडित रामकृष्णा ने हम पर आधारहीन लांछन लगाया है, इन्हें इसका दंड मिलना चाहिए महाराज। गुरुवर, संयोग से अभी अभी बचे हैं, संयोग भी बार बार साथ नहीं देता, गुरु माता का गुण गाइए, अन्यथा। अच्छा, धन्यवाद। तो आप त्रुटि मानते हैं, जाइए, हमने तुम्हें क्षमा किया, महाराज हम पंडित रामकृष्णा को क्षमा करते हैं। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट हो गया कि महाराज और सौदामिनी देवी के बीच में कुछ नहीं है, इसलिए भविष्य में कोई भी ऐसी कोई बात करेगा तो वो दंड का भोगी होगा। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, क्या अब भी आपको हम पर संदेह है? नहीं नहीं महाराज, नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। अब जब आगे शर्म से खुल गई हो, उसमें तो आंसू भी नहीं आ सकते। आज हम समझ गए, हर आंखों देखी चीज और कानों सुनी बात सत्य नहीं होती,
अतः किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व भ्रम का भेद मिटा देना चाहिए। चिंता हमें केवल हमारी नहीं है, अपमान सौदामिनी देवी का भी हुआ है, क्षमा उनसे भी मांगनी चाहिए। अवश्य महाराज। सौदामिनी देवी, क्या आप हमें क्षमा करेंगी? शारदा, अफवाह तो तुमने भी फैलाई थी। महाराज, सौदामिनी जी, हमसे बहुत 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 बड़ी त्रुटि हो गई, अब हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी भक्त ने सबको क्षमा कर दिया। सौदामिनी देवी, गुरुवर, अब तो धर्म के पास जाइए, भ्रम के पास नहीं। मुझे विश्वास था कि गुरु माता की आप पर असीम श्रद्धा है, और उसी विश्वास के तहत मैंने ये सारा प्रपंच रचा। यदि गुरु माता आज नहीं होती तो आप बच नहीं पाते। गुरु माता का आभार व्यक्त कीजिए। स्वामी, पंडित रामकृष्ण, अद्भुत कार्य किया है आपने। अपने बुद्धि कौशल से आज आपने न केवल हमारी प्रतिष्ठा अभी तो हमारे पारिवारिक जीवन को बिखरने से बचा लिया। महामंत्री जी, महाराज, कल प्रातःकाल पंडित रामकृष्ण को पुरस्कृत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। उन्हें उपहार। कितना धूर्त, कितना चतुर है मेरा पुत्र। एक सच को सामने लाकर एक झूठ को खत्म कर दिया इसने। याद नहीं आ रहा क्या खिला के बड़ा किया मैंने इसको कि इतना प्रमुख बुद्धिमान निकला। गुरु जी, हम आपका नाम संपूर्ण संसार में उज्जवल कर देंगे। संपूर्ण रात्रि सोए नहीं गुरु जी, केवल कविता ही लिखी है। आज जब इस कविता का पाठ राज दरबार में करेंगे तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगी गुरु जी, प्रलय। अरे मूर्खो, उच्चाटन मोहन मारन मंत्र का जाप करने वाले हो दरबार में? सचमुच गुरु जी, हमने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। आज दरबार में कविता पाठ आयोजन होने वाला है ना, जिसकी कविता बहुत अच्छी होगी महाराज उसे पुरस्कार देंगे। पुरस्कार? गुरु जी, आज तक आप तो कभी ये सम्मानित पुरस्कार जीत नहीं पाए, किंतु आज आपके होनहार शिष्य धनी मनी कविता पाठ का ये पुरस्कार आपको जीत कर दिखा देंगे गुरु जी। फिर पूरे विजयनगर के मुख पर एक ही बात होगी कि गुरु गुड। अकेले शक्कर। हाँ, क्यों नहीं, मेरे दिव्य होनहार अतुलनीय शिष्यों, हम तुम्हारे गुरु हैं, हैं? अपने गुरु को एक बार ये अपनी कविता तो दिखा दो। हाँ, क्यों नहीं गुरुजी, देख लीजिए, देख लीजिए, देखिए गुरुजी, मेरी देखिए गुरुजी, मेरी देखिए गुरुजी, मेरी देखिए गुरुजी, एक साथ दे दो। ये दोनों की कविता है, दोनों को मिला दिया, अब हम पढ़ेंगे। ये देखो हम कैसे पढ़ते हैं। ये पढ़ा पढ़ा और ये पढ़ा। मेरी कविता। गुरु जी, आपने क्या अनर्थ कर दिया, हमारे शगन को नष्ट कर दिया, हमारे कविता का भी फूटा ही था। इससे पहले कि भविष्य बनता आपने कुचल दिया गुरु जी। निर्दयता से पढ़ने से पहले कम से कम पढ़ तो लिया होता गुरु जी। अरे चुप मूर्खो, तुम पढ़ने जैसी कविता लिख ही नहीं सकते। क्या कह रहे थे? गुरु गुड़ चिली शक्कर, गुरु गुड़ चिली शक्कर। अरे मूर्खो दुष्टो, गुरु गुरु होता है, चिली चिली।
हार दी हमने तुम्हारी कविता, अब दरबार में हमारी कविता का पाठ होगा और देखना पुरस्कार भी हमें ही मिलेगा। देखो हमारी कविता। गुरुजी देख लेना, अब आपके किए पतित कार्य के बारे में दरबार में सबको बता देंगे, सबको बता देंगे कि गुरुवर ने हमारी कविता को फाड़ दिया, हमें आगे बढ़ने से रोका है। गुरु होकर शिष्य की प्रगति पर ग्रहण बन गए हैं आप। ये मूर्ख कहीं सचमुच दरबार में कुछ बक ना दे, इन्हें रास्ते पर लाना होगा। मेरे बच्चों तुम्हारा क्रोध करना स्वाभाविक है, देखो अभी तुम शिष्य हो, तुम्हें अच्छा शिष्य बनना है, फिर श्रेष्ठ शिष्य बनना है, उसमें समय लगेगा। और हाँ, तुम्हारा मार्गदर्शन हम करेंगे। गुरुजी कितु ये बंद, दरबार में अपना मुंह बंद रखना और ध्यान पूर्वक हमारी कविता सुनना और अच्छी तरह समझना कि अच्छी कविता क्या होती है। हम ऐसे पढ़ेंगे कविता दरबार में। अरे उड़ गई, अरे मूर्खों हमारी कविता उड़ गई, अरे उसे पकड़ो, भागो। पकड़ते हैं गुरुजी, पकड़ते हैं। अरे 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 मनी पकड़ना मत, इन्होंने हमारी कविता फाड़ दी थी ना। हाँ हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, बुढ़े के हाथी कविता नहीं लगनी चाहिए। अरे उछल 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 के पकड़ो। हाँ गुरुजी, प्रयास तो कर ही रहे पकड़ने का। क्या प्रयास कर रहे हो, कुछ नहीं होगा तुमसे, हमें ही करना पड़ेगा। अरे मूर्खो, अरे पकड़ो, अरे हमारी कविता। अरे कीचड़ में जा रही है हमारी कविता। ये गई। हाँ, तो पंडित जी आपने हमारे गुरुजी की कविता को क्यों बचा लिया? सब कुछ भूल कर बचा लिया, ये भी भूल गए कि हमारे गुरुजी आपके लिए हमेशा संकट उत्पन्न करते हैं। अरे कितनी बार आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न किया, उसके बाद भी आपकी जगह कोई और होता तो हमारे गुरुजी की कविता को कीचड़ में डुबो देता। आप दोनों सत्य कह रहे हैं धनी मनी, गुरुवर ने तो सदैव मेरे साथ बुरा ही किया है, तो मैं भला इनके साथ अच्छा कैसे कर सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, इसे कीचड़ में ही गिरा देता हूँ। नहीं, 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 नहीं। बहुत प्रयास और कठिन परिश्रम से हमने ये कविता लिखी है जो आज दरबार में सुनानी है, इसे इसे नष्ट मत कीजिए कृपया। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया गुरुवर कि मैं इसे नष्ट कर सकता हूँ? कविता चाहे किसी की भी हो, बहुत अमूल्य होती है, और कोई भी विवेकी और सृजनशील व्यक्ति किसी की भी कविता को कभी नष्ट नहीं कर सकता। किंतु हमारे गुरुजी ने तो हमारी कविता को नष्ट कर दिया, ये देखिए। हमने इतनी अच्छी कविता लिखी थी इसलिए नष्ट कर दिया ताकि हम दरबार में ना कविता सुना ना पाए। उसमें दोष था ना मेरे शिष्य। हाँ पंडित रामकृष्ण, इनकी कविता में अनेकों त्रुटियां थी, हम गुरु हैं ना, और हम चाहते हैं कि आप दोनों उत्तम और उत्तम कविता लिखो, उसके पश्चात दरबार में सुनाओ। गुरुवर, उत्तम कविता का नहीं श्रोताओं का होना आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कविता का अर्थ अलग होता है, हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही कविता का अर्थ समझता है। कोई कविता किसी के लिए बहुत अच्छी हो सकती है तो वही कविता किसी और के लिए बहुत खराब भी हो सकती है। हाँ, सो तो है। नहीं नहीं पंडित रामकृष्ण जी, हमारे गुरुजी तो हमेशा ही हमारी कविता को बुरा बुरा ही कहते हैं। हाँ मेरे बच्चों, मेरे प्रिय शिष्यों, हम चाहते हैं कि तुम उत्तम और उत्तम कविता लिखो, इसलिए
मूर्ख बना रहे हमारे गुरुजी। ये उचित नहीं है गुरुवर, क्योंकि दूसरों को मूर्ख बनाने वाला अंत में स्वयं मूर्ख बन जाता है। वैसे ये आपके और आपके शिष्यों के बीच की बात है, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूंगा। ये लीजिए आपकी कविता। हट लाई। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं हम पर कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं गुरुवर, मैं तो कविता सोच रहा था। वो क्या है कि मेरे बचपन का मित्र गोपाल कृष्ण मुझसे मिलने 20 वर्षों के पश्चात आ रहा है, तो कविता सोचने का समय ही नहीं मिला। अब आज दरबार में सुनाने के लिए मेरे पास कोई कविता है नहीं, परंतु आपसे मिलते ही मुझे एक बहुत ही अच्छी कविता का शीर्षक मिल गया। अब दरबार पहुंचते पहुंचते कविता भी मिल जाएगी। चलता हूँ, धन्यवाद। तुम्हें क्या कविता मिलेगी पंडित रामकृष्णा? आज दरबार में केवल हमारी और हमारी ही कविता की चर्चा होगी। कला प्रेम हमारे दरबार का, समस्त विजयनगर राज्य का स्वभाव बन चुका है। इसका प्रमाण यह है कि हम समय समय पर रात दरबार में कविता पाठ करते हैं। आज भी हमने ऐसी एक कविता पाठ का आयोजन किया है। कविता पाठ से न केवल हमारी मानसिक जागरूकता अपितु कला एवं जीवन मूल्यों के प्रति हमारी सजगता बनी रहती है। वाह, यथा राजा तथा प्रजा महाराज। विजयनगर राज्य की प्रजा कला प्रेमी इसलिए है क्योंकि हमारे महाराज कला प्रेमी है। ये तो विजयनगर राज्य का सौभाग्य है कि उसे आप जैसे महाराज मिले। हमारी तो बस यही कामना है कि ईश्वर आप जैसे महाराज हर राज्य को दे। कला प्रेमी महाराज श्री कृष्णदेव राय जी की जय। कला प्रेमी महाराज श्री कृष्णदेव राय जी की जय। आज तो गुरुवर ने अभी से ही चाटुकारिता शुरू कर दी। आज कविता पाठ में भाग लेने वाले कवियों के नाम की सूची हमारे पास आ चुकी। जिसकी कविता हमें सर्वाधिक प्रिय लगेगी उन्हें ये स्वर्ण पात्र पुरस्कार स्वरूप मिलेगा। तो आरंभ करते हैं। आज की सूची में पहला नाम है महामंत्री तिमरसु का। महाराज, हमारी कविता का शीर्षक है विवाह और संकट का संबंध। अद्भुत शीर्षक है महामंत्री। तो आज महामंत्री हमें हास्य रचना सुनाएंगे। महाराज, हम हमारी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते हैं और साथ ही सभी का ध्यान और आशीर्वाद चाहते हैं। विवाह से पूर्व प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, प्यारे मुझसे शीघ्र ही विवाह करो, फिर संकट तुम्हारे आधे हो जाएंगे। अद्भुत महामंत्री जी, इसे कहते हैं एक आदर्श पत्नी जो विवाह के पूर्व ही अपने पति के संकटों को लेकर चिंतित हो जाती है। अद्भुत महामंत्री जी, आगे पढ़िए। फिर प्रेमी ने क्या कहा? सुनिए। प्रेमी पड़ा सोच में, प्रेमिका की बात सुन बोला, कौन से संकट आधे हो जाएंगे प्रिय? कोई संकट ही नहीं मेरे जीवन में। प्रेमिका के मुख पे कुटिल सी मुस्कान आई, बोली, मेरे संग विवाह तो करो प्यारे, फिर सारे संकट बिन बुलाए आएंगे। बहुत अच्छे। कविता तो अद्भुत है मंत्रीवर, परंतु ये कविता घर पे मत सुनाना, सचमुच संकट आ जाएगा। जी महाराज, इसमें वो दुखी पतियों का दर्द भी था। अब संकट तो विवाह के पश्चात ही आते हैं। गुरुवर, कहीं है आप अपने घर की व्यथा तो नहीं बता रहे? गुरुवर बुरा मत मानिएगा, हम केवल परिहास कर रहे थे। महामंत्री जी, आपकी कविता अद्भुत थी,
हाँ थोड़ी पुरुष प्रधान थी, अगली बार थोड़ा संतुलन बढ़ा देना। जी अवश्य महाराज अवश्य। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज, यदि विवाह के बाद कोई संघर्ष या संकट आते भी हैं तो वो केवल पुरुष के लिए नहीं आते, पत्नी भी पति के साथ उस संघर्ष में साथ होती है, तो फिर उस संकट के लिए केवल पत्नी को ही दोषी मानना कहां तक उचित है। ये विवाह का लड्डू है पंडित रामकृष्णा, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इस सूची में अगला नाम हमारे माननीय आचार्य तथाचार्य का है। महाराज अपने मुख से उदासी उठाओ और जैसे हम ये संकेत करें हमारी कविता सुनकर वाह वाह करना, और सुनो यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम कभी तुम्हें दरबार में नहीं लाएंगे और द्वारपाल तुम्हें भीतर नहीं घुसने देगा, समझ गए। क्या हुआ गुरुवर? जी महाराज वो हम अपने शिष्यों से कविता के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। महाराज हमारी कविता का शीर्षक है उत्तम जीवन। अद्भुत, उत्तम जीवन शीर्षक अद्भुत है गुरुवर। धन्यवाद महाराज। महाराज हमारी ये जो कविता है एक सैनिक के जीवन से जुड़ी है, एक नवविवाहित सैनिक। सैनिक ने सजी संवरी दुल्हन को देखा ज्यों ही, खुशी के मारे झूम झूम गया उसका मन त्यों ही, बोला मैं आदि हूं युद्ध अभ्यास का हरदम, प्रेम की बातों का ज्ञानी हूं मैं थोड़ा कम। एक और सैनिक प्रेम में मग्न था और दूसरी ओर सीमा पर युद्ध छिड़ गया था, अपनी नव विवाहित पत्नी को छोड़कर वो युद्ध भूमि में जाने को हो गया तैयार। पत्नी ने कहा आज ही तो विवाह हुआ है, कुछ समय मेरे साथ बिताइए, युद्ध हेतु अभी मत जाइए। सैनिक बोला मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है, युद्ध भूमि में मिलने वाली मृत्यु तो जीवन का गौरव है, नहीं चाहिए लंबा जीवन, उत्तम जीवन जीने दो, कायर बनकर कैसा जीना, जीवन एक युद्ध है मुझे लड़ते हुए मरने दो, मुझे लड़ते हुए मरने दो। गुरुवर अद्भुत अद्भुत। उत्तम अति उत्तम गुरुजी, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब। कविता पाठ समाप्त हो गया मेरे शिष्यों, शांत। शिष्य है ना हमारे महाराज, आदर करते हैं हमारा। वो भावावेश में आ गए। जी गुरुवर उचित है। मूर्ख। तो अब हमारे अगले कवि के लिए हम सूची देख कर। महाराज अब आपके कविता पाठ के बिना कविता पाठ का आयोजन पूर्ण कैसे हो सकता है महाराज। सत्यवचन महाराज। गुरुवर आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, आप सभी प्रकांड कवियों के समक्ष हमारी कविता पाठ का क्या औचित्य। ये तो आपकी विनम्रता है महाराज, अन्यथा आप तो सूर्य हैं और हम सभी कवि आपके चारों ओर घूमने वाले ग्रह। महाराज अब अपनी कविता सुनने का सौभाग्य हम सभी को दे ही दीजिए महाराज। हाँ महाराज। सत्यवचन महाराज। हाँ महाराज। पढ़िए महाराज। शांत 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 हो जाइए, सब सब शांत हो जाइए। अब आप सब इतना आग्रह कर रहे हैं तो सुना देते हैं हम एक कविता। महाराज के हर शब्द पर वाह वाह करना है। देखो महाराज को प्रसन्न करने का इससे अच्छा अवसर बहुत कम मिलता है। वहां चिंता मत करो, हम शीघ्र ही तुम्हारी कविता दरबार में पढ़वाएंगे हैं। और सुनो जैसे ही हम ये ऐसे ऐसे संकेत करें तो वाह वाह करना। ऐसे सही रहेगा। परंतु दुविधा ये है कि अब कौन सी कविता सुनाएं आप सभी को। कविता का शीर्षक
हमें अभी तक नहीं मिला। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। इसमें वाह वाही की क्या बात है धनी मनी? बहुत ही गहरी बात है महाराज। हाँ हाँ, इस पर हमारे गुरुजी प्रकाश डालेंगे। गुरु, और आप बताइए इसमें क्या वाहवाही की बात है? अब क्षमा महाराज, अब कविता सुनिए। धुंध के उस पार चांदनी बिखरी हुई थी, धुंध के उस पार चांदनी बिखरी हुई थी। वाह वाह महाराज, क्या बात कह दिया। धुंध के उस पार चांदनी बिखरी हुई थी, अर्थात दुख के बाद सुख। जिगर, क्या बात है महाराज, वाह वाह वाह। शांत शांत सुनिए। धुंध के उस पार चांदनी बिखरी हुई थी और रो रहा था कोई, रोते हुए ओस की बूंदों को समेट कर रख रहा था जुगनू की पीठ पर। है? जुगनू की पीठ पर रख रहा था, ये कैसे हो सकता है? वो क्या बात है महाराज, क्या बात है महाराज, शब्द नहीं है हमारे पास। अद्वितीय, अद्भुत, अद्वितीय। वाह उपमा, अलंकार, वाह वाह, सब कुछ तो है इस कविता में। क्या बात है महाराज, बहुत अच्छी कविता सुनाई। अरे जुगनू ले गए ओस की बूंदों को धुंध से बचाकर और फूलों पे रख दिया। धुंध के उस पार बिखरी हुई थी चांदनी, बिखरी हुई थी चांदनी। कविता समाप्त हो गई। वाह महाराज, वाह, अति उत्तम महाराज, बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे, वाह महाराज, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सभी कुछ अधिक ही सराहना नहीं कर रहे, पर गुरुवर तो चाटुकारिता किए ही जा रहे हैं। वैसे हमें अनुमान नहीं था कि आप सबको हमारी कविता इतनी पसंद आएगी, और हम आप सभी को आश्वासन देते हैं कि बहुत ही शीघ्र हम इस कविता का शीर्षक भी लेकर आएंगे और आप सभी को बताएंगे। जी महाराज। तो आगे बढ़ते हैं अगली कविता के लिए। हम पंडित रामकृष्ण को आमंत्रित करते हैं। धनी मनी, बिल्कुल भी वाहवाह नहीं करना है, हमें पंडित रामकृष्ण की कविता को तराशाही करना है। महाराज, कविता तो नहीं, मैं अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं, यदि आप आज्ञा दें तो। अवश्य पंडित रामकृष्ण, आइए। महाराज, मेरे विचार कुछ ऐसे व्यक्तियों के विषय में हैं जो हमें आए दिन कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं और जिनका प्रभाव हम सबके जीवन पर होता है। ध्यान से सुनिएगा। कुछ होते हैं मूर्ख, कुछ बनते हैं मूर्ख, कुछ होते हैं मूर्ख, कुछ बनते हैं मूर्ख, और कुछ यहां दूसरों को बनाते हैं मूर्ख। गुरुजी, गुरुजी, सीधा सीधा आप पर व्यंग कस रहे पंडित रामकृष्ण। कुछ अपने लाभ के लिए दूसरों को उल्लू बनाते हैं, किंतु अंत में स्वयं ही उल्लू बन जाते हैं। देखा गुरुजी, दूसरों को उल्लू बनाने वाले स्वयं उल्लू बन जाते, सीधा आप पर। एक थे भोले राम, दूसरे थे चतुर राम। भोले थे भोले, बड़ी सरलता से मूर्ख बन जाते थे। चतुर थे चालाक, वो दूसरों को मूर्ख बनाते थे। एक बार दोनों को एक ही कन्या से हो गया प्रेम। अब लड़की थी सुशील, दोनों के मन को भा गई और दोनों ने तय किया कि उसी से विवाह रचाएंगे। चतुर था सयाना, भोले के मन को ताड़ गया और उसे अपने मार्ग से हटाने का मार्ग भी निकाल लिया। चतुर ने कहा, भोले तुम इस कन्या के योग्य नहीं, कौन सा मुंह लेकर तुम इस कन्या के सामने जाओगे? जाओ लिखो महाग्रंथ कोई, पहले बनो राजकवि, तभी तो तुम इस कन्या को पाओगे।
बस भोले बेचारे महाग्रंथ लिखने चले गए और इधर चतुर ने उस कन्या से विवाह तय कर लिया। विवाह में अभी कुछ दिन शेष था। इधर चतुर खुशी खुशी विवाह के दिन गिन रहा था, दूसरी ओर भोला महाग्रंथ की रचना कर रहा था। और भाग्य ने पलटा खाया, भोले के परिश्रम ने रंग दिखलाया। राजा को भोले का महाग्रंथ भा गया और राजा ने भोले को राजकवि का पद दे दिया। कन्या ने सुना राजकवि हुआ भोला, उसने भोले को अपना वर चुन लिया। चतुर की चतुराई काम ना आई और वो केवल हाथ मलता ही रह गया। क्या बात है पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। अद्भुत कविता कही आपने, अत्यंत यथार्थवादी कविता थी आपकी। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु ऐसा क्या विशेष है पंडित रामकृष्ण की कविता में, हम समझ नहीं पाए। बुराई की हार और सच्चाई की जीत है पंडित रामकृष्ण की कविता में गुरुवर। पंडित रामकृष्ण ने अपनी कविता से यह सिद्ध कर दिया कि जो किसी और को मूर्ख बनाने का प्रयास करता है वो स्वयं कभी ना कभी मूर्ख बन जाता है। इसलिए कभी किसी को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये कविता समाज के लिए अत्यंत उपयुक्त होगी, है कि नहीं गुरुवर? परंतु महाराज, गहरा ज्ञान तो हमारी कविता में भी था। अवश्य गुरुवर, आपकी कविता में आपने उत्तम जीवन जीने के विषय में बात की है जी। उत्तम जीवन जीने के लिए ये आवश्यक है कि हम किसी को ठगने का प्रयास ना करें, अन्यथा हम आजीवन इस भय में व्यतीत करेंगे कि कहीं कोई हमें ना ठग जाए। और यदि ऐसा हुआ तो हम उत्तम जीवन कैसे जी पाएंगे, है कि नहीं गुरुवर? महाराज की बातों से तो लगता है वो रामा को ही श्रेष्ठ कविता का पुरस्कार देने वाले। हाँ, तो अब समय हो गया है विजेता की घोषणा करने का, ये तय करने का कि आज की प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। महामंत्री जी। महाराज। गुरुवर जी। महाराज। पंडित रामकृष्णा, आप तीनों ने अद्भुत कविताएं सुनाई, परंतु प्रश्न यह है कि सर्वोत्तम कविता किसकी थी? परंतु महाराज, सर्वोत्तम कविता और सर्वोत्तम कवि का नाम तो आपने लिया ही नहीं। आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुवर? आपकी महाराज, आपकी कविता महाराज, आपकी कविता सबको अधिक पसंद आई है। क्यों बोलिए, महाराज की कविता सबसे अच्छी थी या नहीं? सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छी थी। शांत शांत हो जाइए। रामा ये क्या, ये सब तो महाराज की कविता का गुणगान कर रहे हैं। गुरुवर ने चाली ऐसी चलिए बंधु, सबसे पूछ रहे हैं कि महाराज की कविता अच्छी थी या नहीं। अब यहाँ किसकी इतनी हिम्मत कि महाराज की कविता को अच्छी ना कहें? परंतु परंतु क्या, महाराज ही विजेता बनेंगे? जनता का मत तो ईश्वर का मत होता है जी। अब यदि आप सभी को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी कविता सर्वोत्तम थी तो हम इसे ईश्वर का वरदान समझेंगे और इस पुरस्कार पर भी हमारा हक बना जी। महाराज, हम चाहते हैं कि स्वयं गुरुवर अपने हाथों से विजेता को ये स्वर्ण पात्र दें। धन्यवाद महाराज।
धन्यवाद गुरुवर। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। सबके सब निकम्मे हैं, आलसी हैं, सबको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। आचार्य वर, आचार्य चक्रपाणि जी, आप क्या हुआ? आचार्य वर, आप इतने क्रोधित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्योंकि कृष्ण में क्योंकि महाराज। आचार्य वर, आप हमें कृष्ण कह के संबोधित कर सकते हैं। बाल्यकाल में आप हमारे गुरु रह चुके हैं। मैं बालक कृष्ण का गुरु था, आप महाराज हैं, और महाराज का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। मैं आपको महाराज ही कहूंगा। और महाराज, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका यह दरबार अयोग्य व्यक्तियों से भरा हुआ है, और सबसे बड़ा अयोग्य व्यक्ति ये कोतवाल है, इसे फांसी की सजा दीजिए। क्या हुआ क्या आचार्य? क्या क्या कोतवाल ने? अपना धर्म छोड़ता है, अपने कर्म को नहीं किया है। मैं कहता हूं महाराज, इसे अभी फांसी की सजा दीजिए। परंतु हुआ क्या है आचार्य वर, ये तो बताइए, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे साथ अन्याय हुआ है महाराज, छल हुआ है मेरे साथ, और कोतवाल दोषियों को ढूंढ कर लाने को तैयार ही नहीं है। ये दोषियों को दंड ही नहीं देना चाहता। दुष्ट दुष्ट दुष्ट। आप हमें भी दुष्ट कह रहे हैं आचार्य? आचार्य जी, आप ऐसे कैसे हमारे गुरु जी को दुष्ट कह सकते हैं? हाँ, जिनका सभी सम्मान सम्मान करते हैं उनको आप दुष्ट नहीं कह सकते। तुम्हें नहीं कह रहा था आचार्य, कोतवाल को ही कह रहा हूं। वैसे क्या मैं नहीं जानता कि तुम दुष्ट से भी ज्यादा धूर्त हो? धूर्तता में विद्वता मिलाकर गुरुवर के पद पर आसीन हो गए हो। तुम्हारे और भी गुणों को जानता हूं मैं तथाचार्य। कहो तो सबके सामने उन सभी गुणों का बखान करूं। और हां, तुमसे भी बड़े जो ये दो मूर्ख पाल कर रखे हैं ना, इनका मुंह बंद करके रखा करो। मैं तो कहता हूं महाराज, कोतवाल के साथ साथ इन तीनों को भी फांसी दे दीजिए। दरबार पर बोझ है ये। शांत शांत गुरुवर, आप हमें बताइए हुआ क्या है? कोतवाल से ही पूछिए महाराज, ये स्वयं कल मुझसे मिला था। कोतवाल? कल तो मैं आपके दामाद से मिला था आचार्य। फिर दामाद? अरे मेरी कोई बेटी ही नहीं है तो दामाद कहां से आया महाराज? अरे परंतु उसने तो स्वयं आपके सामने अपने आप को दामाद कहा था। दामाद दामाद दामाद, अरे वो ठग था, चोर था, जो मेरा सारा धन लेकर चला गया महाराज। आचार्य, आपके कहने का तात्पर्य है कि आपका दामाद ठग है? इसे भी फांसी पर चढ़ा दीजिए महाराज। मैंने कहा ना, यहाँ सब के सब निकम्मे हैं। अरे मैंने कितनी बार कहा कि मेरा कोई दामाद नहीं है, नहीं है, दामाद नहीं है। परंतु उसने तो आपके सामने परिचय दिया था। फिर दामाद 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 दामाद। आचार्य शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आचार्य गला छोड़िए उनका, छोड़ दीजिए उन्हें। आचार्य वर छोड़िए उन्हें, शांत हो जाइए। आचार्य वर, और आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए हुआ क्या था? कल संध्या समय की बात है, नदी से लौटते समय मुझे एक यात्री मिला था। आचार्य जी प्रणाम, आप आचार्य प्रतीत होते हैं। प्रतीत होने का अर्थ? अरे सचमुच आचार्य हैं हम, कृष्ण।
महाराज कृष्णदेव राय को हमने बचपन में पढ़ाया है, समझे? आहा, तभी आपके मुख से विद्वता टपक रही है आचार्य। मैं आपसे एक सहायता चाहता हूँ। कहो। मैं इस विजयनगर में नया हूँ और मेरा जितना भी धन था सब खो गया है। मैं एक रात के लिए आश्रय चाहता हूँ और सुबह होते ही बस अपने नगर वापस लौट जाऊंगा। क्या आप मुझे अपने निवास में आश्रय देंगे आचार्य? नाम क्या है तुम्हारा? दामाद। बड़ा विचित्र नाम है। परंतु मेरा यही नाम है। काम क्या करते हो? ऋण देने का। और ये मेरा घोड़ा है, इसका नाम तगादा है, इसीलिए तगादे पर हूँ। सचमुच सब कुछ बड़ा विचित्र है, लेकिन कोई बात नहीं, शरणागत हो, हम शरणागत को मना नहीं करते। धन्यवाद। आओ। प्रणाम आचार्य। प्रतीत होता है आपके अतिथि हैं। बिना अतिथि बताए आने वाले को अतिथि ही कहते हैं। ये दामाद हूँ, ऋण देने का काम करता हूँ, तगादे पे आया हूँ और इनके घर जा रहा हूँ। सुबह अपना काम करके वापस लौट जाऊंगा। उचित ही है, अतिथि तो अपना कार्य संपन्न करके चले ही जाते हैं। अब ईश्वर ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे दामाद जी। धन्यवाद। उसके पश्चात क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था, ठग निकला वो यात्री। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा घर के सारे धन और मूल्यवान वस्तुओं के साथ वो यात्री गायब है। मैं तुरंत कोतवाली की तरफ भागा कोतवाल को इस बात की सूचना देने के लिए। कोतवाल! अरे आचार, आप यहाँ? कोतवाल, शीघ्रता करो, शीघ्रता, अनर्थ हो गया है, मैं ठगा गया कोतवाल, वो मेरा सारा धन लेकर चला गया है। कर चला गया? धन ले गया? कौन धन ले गया? वही वही कौन वही? अरे कल संध्या समय जो मिला था, आप भी तो मिले थे ना उससे वो? हाँ, दामाद जी, दामाद जी से मिले थे। हाँ वही, वो मुझे लूट कर चला गया। मैं लूट गया और तुम हंस रहे हो कोतवाल? अरे आचार, आप बात ही ऐसे कर रहे हैं? अरे दामाद जी थे, धन का ऋण दिया था तो वापस ले लिया, ये कोई अपराध थोड़ी है आचार्य। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैंने किसी से ऋण नहीं लिया। लेकिन कल तो उसने आपके समक्ष कहा था कि ऋण देने का कार्य करता है, तगादे पर आया है, ऋण देकर और दूसरे दिन चला जाएगा। सो कार्य पूरा हुआ, वो चला गया। देखो, देखिए आचार्य, मन को शांत रखिए, शांत रखिए, आप घर जाइए। देखिए, मुझे आवश्यक कार्य से राज दरबार जाना। कोतवाल, तुम उसे पकड़ोगे कि नहीं? उसे दंडित करोगे कि नहीं? मेरा धन वापस लाओ। आचार्य, आप समय नष्ट कर रहे हैं। देखिए, ऋणदाता को ऋण वापस लेने के लिए मैं दंडित नहीं कर सकता। सिपाहियों, ध्यान रखना। संपूर्ण आयु बीत गई, परंतु नगर में इतना बड़ा छल, मेरा इतना बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ था महाराज। मैं समझ गया आचार्य, आपके साथ क्या हुआ है। आइए आचार्य, आप यहां बैठिए। महाराज, वो ठग ही था, उसने जानबूझकर अपना नाम दामाद बताया और काम ऋणदाता, और बड़ी चालाकी से अपने घोड़े का नाम तगादा बताया। इसलिए जब उसने कोतवाल को ये बताया कि वो तगादे पर आया है, तो आचार्य ये समझ रहे थे कि वो अपने घोड़े के बारे में बात कर रहा है, और कोतवाल ने ये समझा कि वो ऋण वसूली के बारे में बात कर रहा है, और इस तरह बड़ी चालाकी से उसने सबको मूर्ख बनाया। परंतु पंडित रामकृष्ण, अभी अभी आपने अपनी कविता में उल्लेख किया था कि जो किसी और को मूर्ख बनाता है वो स्वयं कभी ना कभी मूर्ख बन जाता है। आचार्यवर, आप निश्चिंत रहिए, एक न एक दिन वो अवश्य पकड़ा जाएगा। हम चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज देंगे। हम आपको आश्वासन। महाराज, मैं यहां आश्वासन के लिए नहीं आया हूं। या तो उस ठग को मेरे धन के साथ मेरे सम्मुख पकड़ कर लाइए, अथवा मेरी जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए। प्रजा की सुरक्षा राजधर्म होता है, और हम इस राजधर्म को निभाते हुए उस चोर को अवश्य पकड़ेंगे, और आपकी जो हानि हुई है उसकी भरपाई राजकोष से दी जाएगी।
क्षमा कीजिए महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए गुरुवर। महाराज, राज धर्म के कारण हुई प्रजा की हानि की भरपाई राजा का धर्म होता है, परंतु यदि वो हानि प्रजा की मूर्खता के कारण हुई हो तो उसकी क्षतिपूर्ति करना राजा का धर्म नहीं होता है। तुम्हारा तात्पर्य जो हुआ वो मेरी मूर्खता थी? निस्संदेह आचार्य, निस्संदेह। जब उस व्यक्ति ने अपना और अपने उस घोड़े का विचित्र सा नाम बताया तो आपने उससे प्रश्न क्यों नहीं किया, संदेह प्रकट क्यों नहीं किया? अभी तो आप तो उसे अपना अतिथि बनाकर घर ले गए। अब चोर को घर लेके जाएंगे वो तो चोरी करेगा, और जो चोरी आपकी असावधानी के कारण हुई आचार्य, उसकी क्षतिपूर्ति महाराज क्यों करेंगे? परंतु गुरुवर, आचार्य हमें बचपन, महाराज हम मानते हैं कि आचार्य ने आपको बचपन में पढ़ाया, परंतु राज धर्म संबंधों और भावनाओं को नहीं देखता है। परंतु फिर भी आप इन्हें क्षतिपूर्ति देना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, दे दीजिए। स्मरण रखिएगा महाराज, मूर्खता के कारण हुई भरपाई कहीं इस दरबार की परंपरा ना बन जाए। हम सत्य कह रहे हैं महाराज, आज आप इन्हें भरपाई देंगे, कल कोई और आ जाएगा, फिर कोई और, फिर कोई और, और फिर कोई और मूर्खता के कारण हुई भरपाई देते देते राजकोष समाप्त हो जाएगा, परंतु नगर में मूर्ख कम नहीं होंगे। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आप बाकी सबको भरपाई देने से मना कर देते हैं तो नगर के लोग आपको पक्षपाती और अन्यायी मानने लगेंगे। इसलिए महाराज आप जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। मैं समझ गया। राजा धीराज, विजयनगर नरेश, मैं सब समझ गया। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। यहां आकर मैंने आपका समय जो नष्ट किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आचार्यवर, क्षमा कीजिएगा महाराज, हमने तो केवल वही किया जो एक राजभक्त दरबारी को करना चाहिए। किसी को भी मूर्खता की क्षतिपूर्ति नहीं मिलनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? आचार्य के साथ जो हुआ वो एक दुर्घटना थी जो किसी के साथ भी घटित हो सकती है। महाराज, हमारे प्रिय चतुर पंडित रामाकृष्णा का मानना है कि मूर्ख कितना भी चालाक क्यों ना हो उसे उसके किए की सजा मिल ही जाती है। अब देखना यह है कि पंडित रामाकृष्णा अपनी बात को कैसे सिद्ध करते हैं। महाराज, हमारा ये मानना है कि यदि आप सावधान हैं तो ऐसी दुर्घटना घटित ही नहीं होगी। अब यदि आचार्य चक्रपाणी को भरपाई दे दी गई तो बाकी प्रजा सावधान रहना छोड़ देगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि राजकोष से भरपाई तो मिल ही जाएगी। निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो गुरुवर आपका कथन सत्य है, परंतु आचार्य चक्रपाणी के विषय में देखा जाए तो ये आपने ठीक नहीं किया। आप सही मार्ग पर तभी आएंगे जब ऐसी ही दुर्घटना आपके साथ होगी, और मैं शीघ्र ही आपके जीवन में ऐसी दुर्घटना को जन्म दूंगा गुरुवर। सभा समाप्त होती है। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप हमारे साथ चलिए, हम आपसे कुछ आवश्यक वार्तालाप करना चाहते हैं। जी महाराज। महाराज कृष्ण देव राय की जय। गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। देखा शिष्य, ये है कलयुग, सच्चाई का मोल नहीं है,
राजकोष लूटने से हमने बचाया और एकांत में विचार विमर्श करने के लिए महाराज पंडित रामाकृष्णा को ले गए। जी गुरुजी, रामा की कविता सत्य प्रतीत हो रही है। दूसरों को मूर्ख बनाने वाला स्वयं मूर्ख बनता है। गुरुजी, आपने हमारी कविता फाड़ी थी ना, भगवान उसी का फल दे रहे हैं आपको। कैसा फल? महाराज ने सबके सामने रामा को अपने निकट सिद्ध कर दिया है, तो ये आपका तिरस्कार नहीं हुआ गुरुजी? अरे वो तो छोड़िए गुरुजी, ये सोचिए कि वो दुष्ट रामा महाराज से निकटता का लाभ उठाकर आपके लिए कौन कौन से नए संकट उत्पन्न करेगा। प्रभु श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा क्या थी? माता सीता को लंका से छुड़ाना? नहीं, प्रभु श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आरंभ हुई जब वो राजा बन गए, जब उनके समक्ष माता सीता को वनवास भेजने का प्रश्न खड़ा हुआ था। तब पति राम और राजा राम के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष उत्पन्न हुआ था। एक पति अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था, परंतु राजा राम को अपने मर्यादा का पालन करना था। पंडित रामकृष्ण विवशता की पराकाष्ठा तब थी जब प्रभु श्री राम को अपनी धर्म पत्नी सीता मैया को वनवास भेजना पड़ा था। आज ऐसी विवशता की अनुभूति हमें हो रही है। मैं समझ सकता हूं महाराज। एक राजा होने से पूर्व हम एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति अपने गुरु की सहायता करना चाहता है, परंतु राजधर्म ने हमें बाध्य किया हुआ है पंडित रामकृष्ण। मैं समझ सकता हूं महाराज। पंडित रामकृष्ण अब आप ही कोई मार्ग ढूंढिए जिससे वो ठग पकड़ा जाए, तभी आचार्य चक्रपाणी को न्याय मिल पाएगा। ये हमारा अनुरोध है। अनुरोध नहीं महाराज, आदेश दें। अम्मा कह रही हैं, आज तेरे बचपन का मित्र गोपाल कृष्ण आ रहा है तुझसे मिलने, 20 वर्ष बाद। हाँ हाँ अम्मा, याद है मुझे। परंतु तुझे ये याद नहीं है कि घर में घी खत्म हो गया है, कि तेरा मित्र रूखा सूखा खाना खाएगा क्या? आते समय घी लेकर आना, अन्यथा घर में प्रवेश मत करना। अरे नमस्कारम नमस्कारम, आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? नहीं तो मैंने सुबह जल भी अर्पण किया था, पूरब से ही उगा है। तो फिर क्या बादलों से अग्नि वर्षा होने वाली है? हैं? क्या बात है, आज सारी उल्टी बातें क्यों कर रहे हो? उल्टी बात तो आप ही कर रहे हैं। अरे कंजूसी छोड़कर घी लेने जो आए हैं, ऐसा अचानक क्या हो गया? अरे अचानक की क्या बात है, हमारे घर में प्रतिदिन घी खाया जाता है। अरे घी तो कभी खरीदते नहीं। वो तो अम्मा घर पे घी निकालती है, इसलिए कभी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज संजोग से घी खत्म हो गया। वो क्या है कि मेरे बचपन का मित्र है ना वो। जानता हूँ, आपके बचपन का मित्र गोपाल कृष्ण आने वाला है, जिससे आप 20 वर्षों बाद मिलेंगे। आप कैसे जानते और आपको ये कैसे पता कि मैं घी खरीदने आया हूँ? गुंडप्पा आया था, उसी ने बताया, मेरी दुकान से सुबह सुबह तरह तरह के सामान गए हैं आपके घर में। लगता है मित्र के स्वागत के लिए आपके घर में पकवान बनने वाले हैं। 20 वर्ष पुराने मित्र के लिए तो स्वादिष्ट भोजन बन रहा होगा। मैंने भी लंबे समय से घर का बना अच्छा भोजन नहीं खाया, अच्छा अवसर है। शादा बहन, मैंने गुड़ यहाँ पे रख दिया है और घी रामा जी खुद लेकर के आएंगे, और आपसे कोई मिलने आया है, मिल लीजिए, मैं जा रहा हूँ। अम्मा देखिए ना कौन आया है। किसी भी तरह मैं इनके सामने सिद्ध कर दूं कि मैं रामा का मित्र हूं, फिर मैं ये स्वादिष्ट भोजन करके निकल जाऊंगा। ये बुढ़िया खूंखार लगती है, मुझे लौट जाना चाहिए। अम्मा ये कौन है?
बोलने की आवश्यकता नहीं है, अम्मा ने आपको पहचान लिया है। आप वही है ना जो रामा के साथ राम मंदिर के पीछे वाले मैदान में गुल्ली डंडा खेलते थे, और राधे काका कलिया कलिया के बगीचे से आम चुराते थे, और शमशान में भूत भूत बनकर रामा को डराते थे। क्या बात है, अपने आप गोपाल कृष्ण की पूरी रामायण पता चल रही है। अच्छा है, देखा अम्मा ने आपको बिना परिचय दिए पहचान लिया। अब खड़े क्यों हैं? आइए ना बैठिए, आइए। हम भूल ही गए थे, पहले आपका स्वागत आपके चरण धोकर करना है। चल गुंडप्पा थाली और जल लेकर आते हैं। अम्मा थाली और जल ले आए हैं, बस रामा की प्रतीक्षा है। शारदा मेरे पैर धोएगी? ये स्वप्न नहीं, ये तो सच है। शारदा सचमुच मेरे पैर धोएगी। धन्यवाद माँ। रामा को अब तक आ जाना चाहिए था, परंतु वो बचपन से ऐसा ही है, आप तो जानते ही होंगे, लापरवाह। वो तो उनका विवाह हमसे हो गया, इसलिए उनका घर बस गया, है ना अम्मा? रामा की प्रतीक्षा कब तक करेंगे? चल चरण धो। हम कितना सुखद अनुभव है शारदा, तुम ऐसा हर दिन क्यों नहीं करती? पीछे हटिए, पीछे हटिए। अरे ये आपके लिए नहीं है, ये आपके बचपन के मित्र गोपाल कृष्ण के लिए है। ये गोपाल कृष्ण कैसे हो सकता है? आइए आइए ना। अरे मेरा मित्र, मेरा मित्र तो अपने पांव स्वयं धोता था। मैं इसे जरा भी पहचान क्यों नहीं पा रहा हूं? पहचाना? मैं वही हूं। वही? कौन वही? मेरे मित्र का नाम तो गोपाल कृष्ण है, तुम कौन? अले लामा वही धोती लेता दिल्ली डंडा खेलता था। ये इन्होंने बताया? नहीं अम्मा ने। तुम मेरे साथ गुल्ली डंडा खेलते थे? नहीं नहीं आम तुलाते थे, कलिया के भागते। ये भी इन्होंने बताया? नहीं अम्मा ने। अम्मा ने ये भी बताया कि ये आपको शमशान में भूत बनकर डराते भी थे। अब जब सब अम्मा ने ही बताया तो इन्होंने क्या बताया? कुछ भी नहीं, परंतु अम्मा ने इन्हें पहचान लिया। अच्छा अम्मा ने कैसे पहचान लिया? इसमें पहचानने वाली क्या बात है, जब इन्होंने अम्मा को देखा तो ये सहम गए और अम्मा ने इन्हें पहचान लिया। बचपन में जब ये अम्मा को देखते थे तो सहम जाते थे, डायन कहकर भाग जाते थे। अगर विश्वास नहीं होता तो पूछो इससे, डायन कहकर भाग जाते थे ना। देखा अम्मा की स्मरण शक्ति कितनी प्रबल है। ठीक है, किंतु अम्मा मेरा मित्र तो गुंडप्पे के कद का था, ये तो लंबा है। 20 वर्ष पहले मैं छोटे कद का था, अब लंबा हो गया हूं। क्या 20 वर्ष में कद नहीं बढ़ेगा मेरे मित्र? बिल्कुल हो सकता है। चलो माना कद छोटे से लंबा हो गया, किंतु रंग मेरा मित्र तो गोरा था।
गोपाल कृष्ण का रंग कैसे बदल गया अम्मा? बोलो बोलो। योग बल से मैं हिमालय में साधु के साथ रहा, चिता की भस्म लगाता था, अगवान के दूध से नहाता था, दिन रात हवन कुंड के सामने बैठा रहता था, इसके लिए मेरा रंग बदल गया। ये भी हो सकता है? नहीं नहीं, ये गोपाल कृष्ण नहीं हो सकता। परंतु ये लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? इनको समझाने के लिए सबके सामने इसकी सच्चाई बाहर लानी होगी रामा। अरे, आप किस सोच में डूबे हैं? इतने वर्षों बाद आपके बचपन के मित्र घर आए हैं। बैठिए, बातें कीजिए, हम भोजन का प्रबंध करते हैं। देखिए, आप लड्डू खाइएगा, इन्हें मत दीजिएगा। चलो अम्मा, चल गुंडप्पा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अब तो तुम भी मुझे पहचान गए ना मित्र? शीघ्र ही पूरी तरह से पहचान जाऊंगा। खाओ खाओ, लड्डू खाओ। अरे खाओ, अच्छे से खाओ, मुझे मत देना। खाओ और खाओ, हला खाओ। अरे रे शारदा, ये क्या कर रही हो? गोपाल कृष्ण को घी कतई पसंद नहीं है, ये तो सरसों तेल खाता है। घी के स्थान पर सरसों का तेल? अब अपनी अपनी पसंद है, कोई क्या करे, है कि नहीं मित्र? अब इतना अच्छा भोजन और सरसों का तेल, कोई बात नहीं। डालो डालो, सरसों तेल डालो। हाँ, अब खाएंगे। तुम फिर से कुछ भूल रहे हो। यही कि मिर्च के बिना तुम्हारा भोजन पूर्ण नहीं होता। निसंकोच होकर तुम्हें जो भी पसंद है मांग लो ना, कतई संकोच मत करो। शारदा जाओ, मिर्च लेकर आओ। तो आ रही है, मिर्च भी आ रही है। लाओ, मैं स्वयं अपने हाथों से मिर्च डालूंगा। इतनी सारी मिर्ची? ये तो कम है शारदा, मेरा मित्र गोपाल कृष्ण इससे दुगनी मिर्च खाता है। किंतु आज ये काम चला लेगा। और तुम्हें पता है शारदा, पाठशाला जाते समय ये मिर्च के खेत में घुसकर वहां से मिर्च चुरा कर खाता था। और ऐसे मिर्च खाता है जैसे कोई मिठाई खा रहा हो। इतनी मिर्ची कोई मनुष्य खा सकता है? गोपाल कृष्ण मनुष्य है या राक्षस? मैं तो बुरा फंसा। खाओ ना मित्र, खाओ खाओ, मिर्च आ गई, खाओ। अरे कैसे खाओगे, अब मैं भूल गया। अब आप क्या भूल रहे हैं? यही कि मैं अपने मित्र गोपाल कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से भोजन कराता था। आज भी मैं खिलाऊंगा। पियो पियो। मिर्च कम है ना? मुझे पता है तुम्हें कम मिर्च कतई पसंद नहीं, किंतु आज आज काम चला लो। हाँ, ये लो और पियो। हाँ, पियो पियो पियो। मित्र नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मित्र। मिर्ची खिला दी, मर जाऊंगा मैं। पानी दो, मर जाऊंगा। पानी पानी दो, पानी। नहीं हूँ मैं मित्र, मित्र नहीं हूँ मैं। मैं तो यहाँ भोजन करने के लिए आया था। अब बताओगे कौन हो तुम? पहले ये बताइए, आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते? नहीं। ये विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के विशेष सलाहकार है, पंडित रामकृष्णा। क्या, महापंडित रामकृष्णा? मुझे क्षमा कर दीजिए रामकृष्णा जी, मैं नहीं जानता था कि ये आपका घर है। वो तो मैंने सुना आपके घर अतिथि के लिए भोजन बन रहा है।
तो अच्छा भोजन करने के लिए आपका मित्र बनके चला आया। जानता हूँ, यहाँ आने से पहले ही मैं तुम्हें पहचान गया था। आखिर कहाँ मिलेगा वो ठग जिसने आचार्य चक्रपाणि को मूर्ख बनाया? मुझे कैसे भी उसे ढूंढना है। प्रणाम प्रणाम। अच्छा मेरी एक समस्या है। हाँ बाद में। अरे तब तुम बच गए थे। फिर मैंने तुम्हें घी वाली दुकान के बाहर देखा जब तुम उस लड़के के पीछे पीछे जा रहे थे। ये लीजिए आपका घी। धन्यवाद। मैं तभी समझ गया था कि अब तुम मूर्ख बनाने के लिए हमारे घर आने वाले हो। और तुम आए भी। अब मैं सैनिकों को बुलवाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। हो सकता है ये वही ठग हो जिसने आचार्य चक्रपाणि को ठगा था, लेकिन ये बात इसके मुंह से कहलवानी होगी। देखिए, मैं भूखा था और यहाँ केवल भोजन करने के लिए आया था। छोटे मोटे चोर कहीं के? अरे तुम तो हो ही इसी योग्य कि पकड़े जाओ। एक अंधे भिखारी को मूर्ख बनाकर उसकी मुद्रा छीनते हो, मात्र भोजन करने के लिए किसी के भी मित्र बनकर उसके घर चले आते हो। छे, तुम तो मेरे किसी काम के नहीं हैं। ये क्या कह रहा है? इसके किसी काम का नहीं मतलब? एक वो ठग था जिसने आचार्य चक्रपाणि को दामाद बनकर ठगा और इतनी कुशलता से ठगा कि अभी तक पकड़ा ही नहीं गया। अपना नाम बताया दामाद, कार्य बताया ऋणदाता और घोड़े का नाम बताया तगादा। आचार्य का सारा धन लेकर चला गया। लोगों को तो यही लगा कि आचार्य ने ऋणदाता दामाद से ऋण लिया हुआ है तो वो तगादे पर आया है। इस तरह से आचार्य को ठगा और सारा धन लेकर उड़ गया। इसे कहते हैं उच्च कोटि बुद्धिमान ठग। एक वो ठग था और एक तुम ठग हो। यदि वो मुझे मिल जाए ना तो उस ठग को मैं अपना साथी बना लूं। एक ठग को अपना साथी? हाँ, साथी। वो ठग था चाहे जो कोई भी था, किंतु था तो बुद्धिमान। और स्वयं बुद्धिमान होने के कारण मैं बुद्धिमानों की बहुत कदर करता हूँ। मुझे वो कहीं से मिल जाए ना तो मैं इस नगर के किसी धनवान व्यक्ति को, जैसे कि नगर सेठ जिसके पास अथाह धन हो, उसे ठगने की योजना बनाकर स्वयं बहुत सारा धन कमाता। किंतु मुझे मिला भी तो तुम जैसा मंदबुद्धि ठग जो सरलता से पकड़ा जाता है। नहीं नहीं, तुम्हारा स्थान तो कारागार ही होना चाहिए। मतलब अब समय आ गया है मुझे अपनी सच्चाई से पता देनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरा स्थान तो आपके साथ है महाशय, क्योंकि मैं ही वो ठग हूँ जिसने आचार्य चक्रपाणि को दामाद बनकर ठगा था। अरे छोड़ो, तुम वो महान ठग कैसे हो सकते हो? तुम तो मात्र भोजन करने के लिए दूसरे लोगों को ठगते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैंने घर का भोजन लंबे समय से नहीं किया था, इसीलिए यहाँ चला आया। जब मैंने बाजार में सुना कि आपके घर अतिथि के लिए पंच पकवान बन रहे हैं तो मैं यहाँ चला आया। लेकिन मैं ही वो ठग हूँ जिसने आचार्य चक्रपाणि को दामाद बनकर ठगा था। ठगी की सौगंध। देखिए, मैं एक ठग हूँ और ठगी की सौगंध खा रहा हूँ, तो सच ही खा रहा हूँगा ना? मैं कैसे मान लूँ? अरे मैंने तो सुना है कि आचार्य चक्रपाणि के यहाँ से सारा धन ठग लिया उस ठग ने। और तुम तो देखने में ही कंगाल लगते हो। नहीं नहीं, मैं कोई कंगाल वंगाल नहीं हूँ। कोई ठग अपने साथ चोरी का धन लेकर थोड़ी घूमता है। मैंने वो सब एक जंगल में कहीं छुपा दिया है। और भी लोगों को ठगा था, उसे भी वहीं छुपाया हूँ। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। बस आप नगर सेठ को मूर्ख बनाने की बात कीजिए ना, मुझे अपनी योजना बताइए। नगर सेठ के यहाँ से मुझे इतना मिल जाएगा जितना मैंने आज तक लोगों को ठग कर नहीं कमाया है। हाँ,
और कमा भी नहीं पाओगे। मुझे तो पहले से ही तुम पर संदेह था। जो व्यक्ति एक अंधे भिखारी को मूर्ख बना सकता है, वो एक वृद्ध को भी ठग सकता है। परंतु ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब तुम स्वयं जंगल में छिपा चोरी का धन सैनिकों को दिखाओगे। तो आप ये सब इसीलिए कह रहे थे कि मैं अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर लूं? अम्मा कह रही हैं, अच्छा हुआ तूने इसे पकड़ लिया। अरे अम्मा तुम तो रहने दो, तुमने तो इसे स्वयं हमें लूटने का अवसर दे दिया था और इससे जुड़ी सारी बातें स्वयं बता दी। क्यों? और तुम, तुम्हारी भूल का दंड तो अब महाराज तुम्हें देंगे। गुंडप्पा जा सैनिकों को बुला कर ला। ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ताकि तुम और लोगों को ठगते रहो। उस वृद्ध आचार्य चक्रपाणी तक को नहीं छोड़ा तुमने? नहीं नहीं, तुम्हें तो दंड मिलकर ही रहेगा। नहीं नहीं, मैं मानता हूँ कि मैंने लोगों को ठगा है, लेकिन लोग भी मुझे खुद उन्हें मूर्ख बनाने का अवसर देते हैं। यदि लोग सावधान रहें और मूर्ख ना बने तो मैं उन्हें ठग नहीं पाऊंगा। इसमें मेरा दोष कहाँ है? मिर्च से पहले ही मर रहा हूँ और अपनी गलती भी मान चुका हूँ, आप क्यों मार रहे हो? तुम्हें चोट लग रही है तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो केवल लकड़ी घुमा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया, गलती मेरी थी। मैं आपको वचन देता हूँ, आचार्य चक्रपाणी और भी जिनको मैंने ठगा है उनका सारा धन मैं वापस कर दूंगा। लोगों को मूर्ख बनाने से पूर्व तुमने ये नहीं सोचा कि जो दूसरों को मूर्ख बनाता है वो अंत में स्वयं मूर्ख बन जाता है। सो तुम बन गए, अब कारावास में दंड भोगना। चलो, तुम्हें पकड़ने का कार्य तो संपन्न हुआ, अब मुझे किसी और की भी आंखें खोलनी है। अय्या रुको जी, पेट संभाल के। हमें रोकने का तो साहस किसने किया? कहिए, और ये पेट संभाल के क्या? अयो पेट बढ़ गया ना तो पेट संभालना पड़ता जी। पेट संभाल के तुम कलिकालुरु गांव से है ना आचार्य तथाचार्य? हमारे गांव वाला है, मुंह लगाएंगे तो कुछ मांगने लगेगा। हम जहां से भी रहे आपसे मतलब? यो नहीं पहचाना? तुम्हारा घर के सामने जो पीपल का पेड़, उस पेड़ के पूर्व में जो रास्ता जाके दक्षिण में घूम जाता, उस रास्ते में जो गली है उस गली में मेरा घर है जी। अरे हम पूर्णैया, पहचाना पेट संभाल के? नहीं। तब तो हम पंडित रामकृष्ण के घर चला जाता है। वो क्या है कि हमको गंगा सागर यात्रा पे जाना है और हमारा पास 10,000 स्वर्ण मुद्रा है जी। कितनी सहस्त्र मुद्राएं? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। अब इतना बड़ा धनराशि लेके इतना लंबा यात्रा पे तो नहीं जा सकता है ना जी, तो हम इसको पंडित रामकृष्ण को ही दे देगा पेट संभाल के। गंगा सागर यात्रा तो वो यात्रा है जहाँ जाने वाले कम ही वापस लौटते हैं। मतलब ये वापस नहीं आया तो सारी स्वर्ण मुद्राएं रामा की हो जाएंगी? नहीं नहीं, इसकी स्वर्ण मुद्राएं तो हम रखेंगे।